Hello, good morning students. Alcohol, phenol, ether पढ़ने बोला था मैंने. उसके कुछ MCQs करते हैं अपन. I think reactions याद हसे. अने तो जो MCQ आवड़े बाकी MCQ माँ अंदा पड़े. Alcohol, phenol and ether. सबसे पहले अपन क्वेश्चन करते हैं first. Which is 3 degree alcohol? Which of the following is 3 degree matlab tertiary alcohol? Which is 3 degree ya tertiary alcohol? Pehla option diya hua hai CH3, CH2OH. Second is given as CH, OH, CH2 and CH3. Third option is given as CH3, CH2, CH3 and OH. D option is given as CH3, CH, OH. This would be 2. Which of the following is tertiary alcohol? First one is primary. Tertiary alcohol पहचानते कैसे? OH containing carbon attached to 3 other carbon atoms. Then it is called tertiary alcohol. अब आई नहीं जमने. OH containing carbon attached to 3 other carbon atoms. Then it is known as tertiary alcohol. So option C is correct. OH containing carbon attached to 3 other carbon atoms. ये कौन सा है? Primary. OH containing carbon attached to 1 more. ये कौन सा है? Secondary. OH containing carbon attached to 2 other carbon atoms. अने आ तो phenol छे, आ तो alcohol अदन थे. D option. सुका. Because in phenol, OH group is directly attached to the benzene ring. So, how to identify tertiary alcohol? OH containing carbon attached to 3 other carbon atoms. Then it is known as tertiary alcohol. Okay? Now, next question. Which of the following is allylic alcohol? Which of the following is allyl alcohol? Allyl alcohol. इनमें से allyl कौन सा है वो आपको पता लगाना है. First option is CH2 double bond CH, CH2 CH2 OH. Second option is CH2 double bond CH, CH2OH. Third option is CH2 double bond CHOH. And the fourth option is CH3, 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 CH double bond CHOH. Which of the following is allylic alcohol? केम खबर पड़े एलाइलिक अल्कोहल हम जाए पूछे जवाब अने इट इज करेक्ट. हाउ टू आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल? ओएच कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज और उसका जो नेबरिंग कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ओएच कंटेनिंग कार्बन sp3 होना चाहिए, उसका जो पास वाला कार्बन है वो sp2 होना चाहिए. तो आप क्या बोलोगे इसको? Allylic alcohol. जैसे ये वाला OH containing carbon है, sp3 छे कारण के बदा single bond छे, अने पछी sp2 कारण के double bond छे. So it is known as allylic alcohol. First one is not allylic. C and D they are vinylic alcohol.
सीधा OH वाला जो कार्बन है अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ तो हम उसको क्या बोलते हैं, विनाइल। तो सी और डी है वो विनाइल अल्कोहल है और सेकंड है वो एलाइलिक अल्कोहल। सो हाउ टू आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल, OH कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड उसका नेबरिंग कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देन इट इज नोन एज एलाइलिक अल्कोहल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन ग्लिसरॉल, प्रेजेंट इन ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन ग्लिसरीन। A only 1 degree, B 1 degree and 2 degree, C 1 degree and 3 degree, D 1 degree and 2 degree. Sorry, 1 degree, 2 degree, 3 degree. All are present. What type of alcohol present in glycerin या फिर glycerol? कौन से type के alcohol present है इसमें? सिर्फ प्राइमरी है या प्राइमरी और सेकेंडरी है या प्राइमरी और टर्शरी है या फिर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों प्रेजेंट है, तो उसके लिए अपन को पहले ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या होता है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर? CH2OH, CHOH, ग्लिसरीन भी बोलते हैं, ग्लिसरीन भी बोलते हैं और ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 1 degree एंड 2 degree. सी दिस OH कंटेनिंग कार्बन अटैच टू वन मोर कार्बन, सो दिस इज प्राइमरी। सेम हियर, व्हाट अबाउट दिस कार्बन? 2 degree, बिकॉज OH कंटेनिंग कार्बन अटैच टू टू अदर कार्बन एटम्स, सो इट इज सेकेंडरी। सो आंसर इज बी, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ टाइप ऑफ अल्कोहल आर प्रेजेंट। फिर पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन मेटाग्लिसरॉल, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मेटाग्लिसरॉल, मेटाग्लिसरॉल में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वो आपको बता रहे, बताइए। मेटाग्लिसरॉल बोले हाउ मेनी सिग्मा हाउ मेनी पाई बॉन्ड इन मेटाग्लिसरॉल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटाग्लिसरॉल? आने के बाद OH आ मेटाग्लिसरॉल, count how many sigma and how many pi bonds are there in this. इसको ओपन करें तो alternate double bond O and H and methyl group, तीन तो pi bond है दिख रहा है, how many sigma bonds? See 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. So 12 sigma, 3 pi bonds are there in metacrisol. Metacrisol, orthocrisol and paracrisol all have same number of sigma and pi bond. Position अलग होता है खाली. Crisol means 3 hydroxy phenol. That is called crisol. Clear? Next. What is IUPAC name of phenytoin? What is IUPAC name of phenytoin?
क्या है फेनिनॉल का एबीसी नेम? इट्स फिनॉल, मिथॉक्सीबेंजीन, इथॉक्सीबेंजीन या फिनॉक्सीबेंजीन। ऑप्शन है फेनिटॉल आईपीसी नेम फिनॉल, कापची मिथॉक्सीबेंजीन, कापची फिनॉक्सीबेंजीन अरे इथॉक्सीबेंजीन। व्हाट इज करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ फेनिटॉल? सो ऐसे फेनिटॉल नो करेक्ट आईपीसी नेम, करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ फेनिटॉल इज इथॉक्सीबेंजीन। फेनिटॉल ऐसा होता है ओ सी टू एच फाइव, दिस इज फेनिटॉल ओ सी टू एच फाइव, नाम है इथॉक्सीबेंजीन, दैट इज कॉल्ड फेनिटॉल। फिर आएगा क्वेश्चन हाउ मेनी मोनोहाइड्रिक फिनॉल आइसोमर, हाउ मेनी मोनोहाइड्रिक फिनॉल आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन या आर देयर ऑफ C7H8O। विद दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O हाउ मेनी मोनोहाइड्रिक फिनॉल आइसोमर्स आर देयर, मोनोहाइड्रिक फिनॉल आइसोमर्स विथ C7H8O, how many are there? Option is 3, 2, 5 or 4. Sorry. How many phenolic isomers, monohydric phenol isomers are there with C7H8O? Okay, I'll say 3, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे, कौन से आइसोमर्स बनते हैं C7H8O के? टोटल 5 आइसोमर्स होते हैं, देखिए कौन कौन से, क्रिसॉल्स होते हैं, एक होता है ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा and this is paracrisol। ये तीनों मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, एक OH ग्रुप है और फिनॉल है सारे, बाकी के आइसोमर कौन से होते हैं? ये तो फिनॉल ही नहीं है, बेंजाइलिक अल्कोहल है और एक होता है ईथर OCH3। तो हाउ मेनी पूछा था उसने मोनोहाइड्रिक फिनॉल, सो इट विल बी 3 and total isomer पूछा होता तो 5, so C7H8O total isomers are 5, phenol monohydric phenols are 3, फिर एक तो phenol ही नहीं है, ये वाला तो ये भी phenol नहीं है, ये ether है, ये benzyl alcohol है और बाकी के तीन कैसे हैं phenol, so how many monohydric phenols are there? These are 3. next देखिए What is the product obtained when butanine undergo hydroboration oxidation reaction? What is the product obtained when butanine undergo hydroboration oxidation reaction? क्या product बनेगा? क्या बनेगा product? Hydroboration oxidation of butanine means
This is butylene. Okay. Hydroboration oxidation means होता है पहले hydroboration करना है B2H6 या BH3 twice. और oxidation मतलब H2O2 in OH minus basic medium. This is called hydroboration oxidation. A condition है जी. हवे माकी भी इतना product form था है. Addition of water anti-Markovnikov rule से. Addition of water anti-Markovnikov rule. तो अगर इसमें पानी को ऐड करेंगे एंटी मार्कोनिकोफ रूल से तो क्या बनेगा ब्यूटेन वन ऑल CH2 CH2 OH. दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन वन ऑल. सो एक्चुअली इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर एंटी मार्कोनिकोफ रूल. सिर्फ हाइड्रेशन लिखा हो तो एडिशन ऑफ वाटर विथ मार्कोनिकोफ एंड दिस इज एडिशन ऑफ वाटर एंटी मार्कोनिकोफ रूल. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कैसे दिया है CH3 CH2 MgBr फर्स्ट रिएक्टेड विथ HCHO एंड देन हाइड्रोलिसिस. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड. First option is ethane. Second option is ethanol. Third option is propane one all. And the fourth option is propane two all. What is the product obtained by this reaction? CH3 CH2 MgBr. એટલે ethyl magnesium bromide. When treated with formaldehyde followed by acidic hydrolysis, what is the product obtained X? Whether it is ethane, ethanol, propane one all, or then propane two all. क्या form होगा? What is the product obtained? Correct answer is propane one all. ये actually nucleophilic addition reaction है. Aldehyde पे Grignard reaction का Grignard reagent का addition. Addition of Grignard reagent on formaldehyde. देखो कैसे ऐड होता है और हाइड्रोलिसिस होता है. HCHO फॉर्मल्डिहाइड इन ऊपर ऐड करवाना इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. क्यों इतना ऐड था है इथाइल ग्रुप विल ऐड टू द कार्बन MgBr विल ऐड टू ऑक्सीजन HCCH2CH3 यहाँ पे आएगा OMgBr और इधर आएगा H. जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस आई की बॉन्ड ब्रेक था है H आया OH आया इतना CH3CH2CH2OH बनी जैसे CH3CH2CH2OH ना बाय प्रोडक्ट्स हुआ उसे Mg OH ने Br प्रोपेन वन ऑल मिलेगा. क्या मिलेगा प्रोपेन वन ऑल. हमेशा जब भी फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ऐड होता है तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है. कोई और अल्डिहाइड अगर ग्रिग्नार्ड के साथ ऐड होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है. और कोई अगर अल्डिहाइड सॉरी कीटोन्स है वो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं टर्शियरी अल्कोहल. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट है नेक्स्ट रिएक्शन दिस इज एनिलिन NaNO2 एंड HCl लो टेम्परेचर 273 केल्विन. X is formed when warmed with water. Y is formed. Y bromine with CS2. Z is formed. What is Z? What is Z? Alpha.
First, aniline combines with NaNO2 and HCl, we get X. X when treated with warm water, we get Y. Y when undergo bromination in CS2, we get Z. What is Z? Z sutha se. Is it phenol? First option is phenol. Second option is parabromophenol. Third option is bromobenzene. And the fourth is 1,4-dibromobenzene. 1,4-dibromobenzene. What is the correct answer? So, what is the correct answer? Is it phenol, parabromophenol, bromobenzene, ya fir 1,4-dibromobenzene? Correct answer is parabromophenol. Kaise? This is diazotization reaction. Aniline, primary aromatic amine, NaNO2 HCl ke saath reaction karta hai low temperature pe. Ye banega benzene diazonium chloride plus Cl minus. N2 plus Cl minus. Fir water ke saath warm karoge to kya milega? Phenol. फिनॉल को ब्रोमीन CS2 के साथ करोगे तो क्या मिलेगा? पैरा ब्रोमो फिनॉल. पैरा ब्रोमो फिनॉल. सो करेक्ट आंसर इज पैरा ब्रोमो फिनॉल. हमारी ये सारी रिएक्शंस याद होनी चाहिए तो MCQ इजी होता है. हमको लगता है कि MCQs है तो टिक कर देंगे, पास हो जाएंगे. ये ना उल्टा नो, MCQ टफ पड़े. थियरी हो एटलीस्ट कई लखो तो मार्क बढ़ाए, मैं तो का तो फुल बढ़ाए, का तो जीरो बढ़ाए. सीधो ऐसा के या डू डू एक स्टेप साची हो और बीजी खोटी हो तो ये मार्क ना बढ़ाए, मैं तो ये उच्च है. MCQs में प्रैक्टिस बढ़ा रहे जो है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विथ 9 ग्राम एल्युमिनियम सॉरी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट STP. हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट STP. प्राइमरी अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद एल्युमिनियम हाउ मेनी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट STP. आंसर क्या आंसर आएगा? 9 ग्राम एल्युमिनियम. एटॉमिक वेट ऑफ एल्युमिनियम इज 27. एटॉमिक वेट ऑफ एल्युमिनियम इज 27. सो मोड़े बोलो. इट्स 1.5 इंटू 22.4 लीटर. इट्स 4.5 इंटू 22.4 लीटर. इट्स 3 इंटू 22.4 लीटर्स और इट्स 7.5 इंटू 22.4 लीटर. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 9 ग्राम एल्युमिनियम बट ट्रीटेड विद अल्कोहल. What is the volume of hydrogen produced at STP? कैसे निकालेंगे? How to find out? See, equation खबर होगी जो ही. अब क्वेश्चन आवेला चाहिए बोर्ड में. Equation is, suppose this is primary alcohol treated with aluminium. What we have? Whole thrice because aluminium valency is 3 and hydrogen gas. First we have to balance it. Here 3. Here, 3 hydrogen, so this would be 3/2. 27 gram produce 1.5 into 22.4 liters. STP chal, so 9 gram per how much? So 9 into 1.5 divided by 27 into 22.4.
4 liter. So 9 3s are 3 5s are 0.5. D option correct. 0.5, 22.4 liters. Hydrogen gas will be produced. So answer D is correct. इसमें रिएक्शन भी पूछ लिया आपको 12th स्टैंडर्ड की और स्टोइकोमेट्री भी पूछ लिया आपको. स्टोइकोमेट्री आता है नहीं वो भी पता लग गया. इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं वो भी हो गया और स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन के भी इतना था ये भी थी. एक ज क्वेश्चन में बे त्रण वस्तु आती हो आवा क्वेश्चन बोर्ड में आए અને બોર્ડ નું પેપર વધારે ટફ હોય આપણે જેડબલી નીટ કરતા. એ વાત મગજમાં રાખજો. ઓ એના એમસીક્યુ સારા હોય એટલે એમસીક્યુ પૂછાણું છે બોર્ડમાં. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. સેવા હાઇડ્રોજન બોન્ડ પોસિબલ નથી. ઇન વિચ ઓફ ફોલોઈંગ હાઇડ્રોજન બોન્ડ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ફર્સ્ટ ઓપ્શન alcohol alcohol molecule. alcohol alcohol molecule. second alcohol water. third ether and water. fourth ether and ether. between which two molecule hydrogen bond is not possible. same hydrogen bond possible na tha. answer is ether and ether. Two alcohol molecules are joined by intermolecular hydrogen bond. Alcohol form hydrogen bond with water molecules. Ether form hydrogen bond with water molecule. But two ether molecules, they are not able to form hydrogen bond. क्यों नहीं बनाते hydrogen bond? Polar bond नहीं है दोनों में इसलिए. Oxygen होना चाहिए, hydrogen से connected होना चाहिए. Then only it is form hydrogen bond. So इसमें hydrogen bond possible. नहीं होगा बिटवीन ईथर एंड ईथर मॉलिक्यूल. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर विद C6H6O2? हाउ मेनी आइसोमर्स? 2, 3, 4 और 5? हाउ मेनी आइसोमर्स विद फॉर्मूला C6H6O2? 2 isomers, 3 isomers, 4 isomers or 5 isomers. How many isomers are possible with the formula C6H6O2?